I'm going to start the class with the name of Allah. Fold your arms like this. Recite with me. Ta'awuz. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tarjuma. मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मर्दूद के शर से। I seek the refuge to Allah from शैतान in the outcast. तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ट्रांसलेट करेंगे विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज द मोस्ट मर्सीफुल एंड द लॉर्ड ऑफ मर्सी। रेज योर हैंड फॉर दुआ, दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। दुआ फॉर इंक्रीजिंग नॉलेज, इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तर्जुमा ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ओ माई अल्लाह इंक्रीज माई नॉलेज, ओ माई अल्लाह इंक्रीज माई नॉलेज। आमीन। इट्स योर जीके पीरियड। आज हम क्या करेंगे, आज हम जीके पीरियड कंडक्ट करेंगे। आप लोग और टीचर आपको जीके बुक्स में वर्क करवाएंगे। सो रिकॉर्ड योर जीके बुक्स। This is your GK textbook. Let's explore the world around us. Level 2. Open your book and pick out page number 4. Page number 4. And today's topic, my body. My body, okay? Our body is made up of many different parts. Our body is made up of many different parts. क्या कह रहे हैं? हमारे जो जिस्म है, body, our body किसे बोल रहे हैं? हमारी जो ये body, हमारा पूरे जो जिस्म है, ठीक है ना? क्या है ये? बहुत मुख्तलिफ डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी हुई है। आपको आपने देखा ना जो हमारी बॉडी है इसकी डिफरेंट पार्ट से हैंड्स हैं, हेड, नेक, शोल्डर, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक से तो नहीं है ना, इसके सब जगह तो हमारे हाथ नहीं है, सब जगह हमारे पैर नहीं है, सब जगह हमारी नेक नहीं है, डिफरेंट पार्ट्स हुए ना। समझ में आ गया? गुड, ओके। शोल्डर, हेड, शोल्डर, हेड, नेक, एल्बो, हैंड, टंग, फिंगर, नी, toes, leg, again repeat कर लेते हैं, shoulder, head, neck, elbow, hand, tongue, finger, knee, toes, leg। क्या शो करवाए यहाँ पे? डिफरेंट पार्ट्स शो करवाए बॉडी के, जो कि मैंने अभी आपको रीड करवाए हैं। आई हैव अ वन चार्ट फॉर यू, मेरे पास बॉडी पार्ट्स का एक चार्ट है जिससे आपको और मजा आएगा पढ़ने में। हम इससे एक दफा रीड करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा शोल्डर, ये देखिए, ये रहा, दिस इज शोल्डर। शोल्डर आपके अपना भी देखें, टच करें, टच योर शोल्डर, इट्स माई शोल्डर, ओके, टच योर शोल्डर। तो शोल्डर क्या है? ये जो हमारा ये होता है, ये जिसे हम कंधा भी बोलते हैं, शोल्डर, ओके। नेक्स्ट हेड, ओके, एंड नेक्स्ट नेक, ये जो हमारी नेक है, जो गर्दन है ना, नेक, एल्बो, दिस इज एल्बो। हमारी क्या होती है? ये जो हमारे हैंड्स होता है और हैंड्स का जो हमारे जॉइंट होता है, दिस इज एल्बो, ओके, ये देखें एल्बो, ठीक है। ये तो हमारा हैंड है, लेकिन ये जो इसका जॉइंट है जहाँ से हमारा जो है फोल्ड हो रहा है ना हमारा हैंड, ये देखें, ठीक है, ये हमारा क्या है? एल्बो, ओके। नेक्स्ट हैंड, हैंड तो सबको पता है, हैंड, वेयर योर हैंड, वेरी गुड, हैंड, हैंड, टंग, सबको पता है ना टंग क्या होती है, क्या होती है, जरा शो मी योर टंग,
Show me your one finger like this. Very good. Show me your two finger. Very good. One finger. Okay. Next knee. ये हमारे कहाँ पे है बॉडी में, ये देखिए हमारी लेग्स होती है. लेग्स में यहाँ पे जैसे हमारे हैंड्स में जॉइंट है, इस तरह हमारे लेग्स में भी जॉइंट होता है. तो वो जो जॉइंट होता है उसे हम नी बोलते हैं. नी. ओके. नी क्या बोलेंगे? नी. जिसे हम उर्दू में घुटना बोलते हैं ना, ये हमारे पास इंग्लिश में हम इसे क्या पढ़ते हैं? नी. ये हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी है नी. ओके. नेक्स्ट टोस. टोस हमारे पास ये जो हमारे ये है, ये देखिए टोस. ये जो पैर के हमारे ये देखेंगे, जो पैर का अंगूठा है ये वाला, ठीक है, ये हमारा टोस. ये वाला जो है ना, देखें टोस. अब टोस हम किसे कह रहे हैं? जैसे हमारे हैंड्स है, इसमें हमारे पास जो है ये वाला जो अंगूठा है इसको हम थंब बोल रहे हैं, ठीक है. तो ये जो हमारे पैर में ये जो अंगूठा होता है, जो बड़ी फिंगर्स होती है, इसको हम क्या बोलेंगे? पैर की. इसको टोस. ठीक है. ओके. वेरी गुड. नेक्स्ट हमारे पास है लेग. लेग तो सबको पता है, ये रही हमारे पास लेग. लेग अगेन रिपीट कर लेते हैं. नेक, शोल्डर, हेड. नेक जो टीचर आपको पढ़ा रही है आपको रिपीट करना है, पढ़ना भी है. एल्बो. शो मी योर एल्बो. वेरी गुड. हैंड, हैंड. नी, knee, toes, toes, leg, leg, leg. Okay, understand? आपको समझ में आया क्या था? ये हमारे पास हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी थे और ये सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं, ठीक है. कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हमारी कोई के सेम हो. देखें सिर्फ हमारे पास, हाँ वो अलग बात है कि कुछ जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, टू पेयर में, जैसे कि आइस और एयर, हैंड्स और लेग्स, ठीक है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेम है, ये तो पेयर में है, ठीक है. चलें, ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ बॉडी थे, इसको आपने अच्छे से रीड करना है और याद करना है. और अब एक मिनट मजे की आपको एक एक्टिविटी बताने वाली हूँ जो कि आपका होमवर्क होगा, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, हम अपनी जो है टेक्स्ट बुक करेंगे. दिस इज योर एक्टिव बुक. लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड अस. एक्टिविटी बुक लेवल 2. ओके. टेक आउट and open your page number 5. okay, my body, draw lines to match the parts of body. अब आपने क्या करना है, ये जो ये बुआएं हैं इनकी बॉडी में पूरी ये कंप्लीट बॉडी है, इनके डिफरेंट पार्ट्स जो आपको यहाँ पे शो किए हुए हैं उनको आपने मैच करना है. लाइक मैं एक करके दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे घर पे. इट्स योर होमवर्क. मैंशन द होमवर्क एंड डेट 6 में. ओके. चले नेक, जैसे कि लाइक दिस. नेक कहाँ है? वेयर इज नेक? हेयर इज नेक. सो मैच द नेक लाइक दिस. ओके. दिस इज योर होमवर्क. अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ गया, आपने इसको अच्छे से करना है, ठीक है. अब एक आपका होमवर्क और क्लास का क्या है, टीचर आपको जीके क्वेश्चन करवाएंगे. ये आप, दिस इज योर वर्कशीट पैड फॉर नर्सरी क्लासेस. आपको पता है ना ये नर्सरी क्लास है, ठीक है. तो अब आपने क्या करना है, इसमें यहाँ से मैं आपको एक देखें टेकआउट करेंगे. ये देखें, ये आपका जनरल नॉलेज कन्वर्जेशन पोर्शन आया. यहाँ से मैंने इसको फोल्ड किया, इसको यहाँ से मैंने टर्न किया. अब हमारे पास क्वेश्चन आ गए, जीके कन्वर्जेशन क्वेश्चन फर्स्ट टर्म. ओके. सो व्हाट इज योर नेम? द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज, जो आपका नाम होगा आप बताएंगे. लाइक मेरा नाम है, जो मेरा नाम क्या है, तो मैं बोलूँगी माय नेम इज अनी. माय नेम इज अनी, तो आप बोलेंगे माय नेम इज, जैसे कि अगर मोहम्मद शेख है, हुमायूं है, तो बोलेंगे माय नेम इज हुमायूं. माय नेम इज मोहम्मद शेख. माय नेम इज अली. माय नेम इज आर्यन. माय नेम इज बतूल. इस तरह समझ में आया, माय नेम इज के साथ आपने अपना नाम जो होना है, नाम अपना नेम जन कर देना है. माय नेम इज सनीन एंड व्हाट्स योर नेम, नेक्स्ट टाइम आपको याद होना चाहिए, ठीक है. इट्स योर क्लास का फोन होमवर्क बोथ, ठीक है. ये आपने अच्छे से इसको याद करना है. आप चाहे तो टिक लगा लें ताकि आपको याद रहे कैसे हमें याद करना है. ओके. इसके अलावा अब हम आएंगे यहाँ पे, आपको एक नाजरा पोर्शन मिलेगा, आप आगे बढ़ जाएं.
शीट पैड ओपन करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे एक नाजरा शीट भी लगी होगी, ठीक है ना, नाजरा लिखा हुआ उस पर, ये देखें। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करना है, जैसे टीचर आपको क्लास जब हम स्टार्ट करते हैं ताऊ तस्मे पढ़ाती है ना, तो यहाँ पे ताऊज लिखा हुआ है, ठीक है, ताऊज यहाँ पे है। आउज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, तर्जुमा, मैं पना मांगता हूँ, जब जो बॉयज़ हैं वो पना मांगता हूँ बोलेंगे, और जो गर्ल्स हैं वो पना मांगती बोलेंगे। मैं पना मांगती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से, ठीक है। आई सीक द रेफ्यूज टू अल्लाह फ्रॉम शैतान द आउटकास्ट। ओके, ये आपका होमवर्क है, आपने इसको भी याद करना है, ठीक है। आपको समझ में आया टीचर ने क्या बताया? एक टीचर ने लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड अस एक्टिविटी बुक लेवल टू पेज नंबर 5, जो आपको बॉडी पार्ट सेम मैच करने। ओके ठीक है डन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज योर नेम फ्रॉम वर्कशीट पैड जी के सेक्शन। मैंने आपको जी के सेक्शन भी मेंशन करवाया, आपको दिखाया, आपको कोई भी उर्दू इंग्लिश कोई भी आपको जब कुछ याद करने को मिलेगा तो इस जो आपका वर्कशीट पैड इस पे सेक्शन मौजूद है, तो आप सेक्शन में जाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा फिर मैंने आपको क्या दिया, नाजरा, ताउस, बिमा तर्जुमा याद करें। बिमा तर्जुमा याद करेंगे जो आप जैसे आउज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, तर्जुमा, मैं पना मांगती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद के शर से। जब आपको ये याद हो जाएगा तो फिर हम ट्रांसलेट पे आ जाएंगे। आई सीक द रेफ्यूज टू अल्लाह फ्रॉम शैतान इन द आउटकास्ट। ठीक है, आपको समझ में आया? आराम आराम से याद करें, अच्छे से याद करें, और क्लास जरूर लें। जब तक आप क्लास लेंगे आपको समझ कैसे आएगा? टीचर बताएंगे तो आपको समझ आएगा ना, तो आपने अच्छे से पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ बॉडी आपको याद होने चाहिए। देखिए मुझे याद है, हेड, शोल्डर, नेक, एल्बो, हैंड, नी, फिंगर, टोस, लेग। अरे वाह, मुझे तो याद हो गए, देखा, पढ़ाते पढ़ाते याद हो गए। इसका मतलब है जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी जल्दी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छे से याद करिएगा, और मम्मा को तो बिल्कुल तंग नहीं करना ना। वेरी गुड, ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।